एजुकेशन लाइन सबसे ऊंची लाइन है और सबसे ऊंचा दर्जा है। सौभाग्य है कि हम ऐसी फील्ड में आए हैं और भगवान ने हमें मौका दिया है। एजुकेटेड आदमी की पहचान है टू बिल्ड ए करेक्टर। अगर चरित्र है तो एजुकेटेड है, चरित्र नहीं है तो कोई एजुकेटेड नहीं है। प्रगति पब्लिक स्कूल द्रुक में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राजकीय उच्च विद्यालय खैरा के मुख्य अध्यापक श्री विजय अवस्थी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री संजय शर्मा ने आए हुए अभिभावकों के समक्ष स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पेश की एवं स्कूल की गतिविधियों से अवगत करवाया। मुख्य अतिथि श्री विजय अवस्थी ने बच्चों को स्मृति चिन्ह व मेडल देकर सम्मानित किया। पेश है पीआर न्यूज की विशेष कवरेज। वेलकम टू अवर चीफ गेस्ट सर, गेस्ट ऑफ ऑनर एंड ऑल रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल एक ये जो दहेज के बारे में एक बात कहूंगा कि पहले लड़कियों को मार दिया जाता था। क्यों? हम किसी के आगे सिर नहीं झुकाए। एक समय ऐसा भी आया कि उसके बाद फिर समय बदला और उसके बाद लड़कियों को अब जो है वो शिक्षा वगैरह देने लगे। लेकिन क्या हुआ कि जो दहेज की जब बारी आई तो दहेज में माता पिता लड़की को इतना पढ़ा देते थे लेकिन वो दहेज नहीं दे सकते थे। तो फिर वहाँ उस मसले का फिर लड़कियां जो है वो या तो अपने आप को वैसे समाप्त कर देती थी या माता पिता कर्ज लेकर के उनकी शादी करती थी। ये प्रथा कम हो रही है, इसमें भी हमारा हाथ सबसे ज्यादा है। और ये प्रथा चलती थी, इसमें भी हमारा हाथ सबसे ज्यादा था, क्योंकि हम लोग ही हैं जो प्रथाओं को आगे लेके जाते हैं और उनका विनाश करते हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मेरी भी अभी अभी अक्टूबर में मैरिज हुई है, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने इस तरह की कोई डिमांड नहीं रखी और मुझे बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है। और साथ में मेरी जो सासू माता जी है वो साथ में यहाँ आई हुई है, तो इनके लिए जोरदार तालियां। 3 महीनों में मुझे इन्होंने कभी भी अपनी माँ की याद आने नहीं दी, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मॉम। और आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि ये जो क्रू प्रथा है इसको हम जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग ही हैं जो इसको कम कर सकते हैं।
बात किसी को समझा नहीं पाता है वो गधा होता है। सर जी आपने क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बैठ लीजिए। अच्छा शिवू बेटा खड़े हो जाओ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ ए के बाद क्या आता है? ए क्या बोलती तू? मैं तेरी जान निकाल के रखूंगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ। तेरी इंग्लिश गई भाड़ में, मुझे हाथ तो लगा के दिखा। अच्छा अर्नब बेटा, जो मैंने तुम्हें कल लेसन लर्न करने के लिए दिया था वो तुमने लर्न किया है? सर नहीं कर पाया। क्यों क्यों नहीं कर पाए? सर लाइट नहीं थी। तो लाइट आई ही नहीं? सर लाइट आई थी, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा लाइट फिर से चली गई। और फिर कभी लाइट आई ही नहीं? सर मैं इस तरह से पढ़ने नहीं बैठा कि लाइट फिर से ना चली जाए। वन मोर वेरी सिंपल क्वेश्चन, नेम वन एनिमल फाउंड इन डेजर्ट। ओके आर्यन बताओ। कैमल। वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर। प्लीज टेल मी अनदर एनिमल्स। अनदर कैमल्स। चुप लाइक बैठ जा। अच्छा बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है। अनिकेत बेटा खड़े हो जाओ। मैंने क्या बोला? सर आप कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। बैठ जा नीचे। अच्छा निखिल बेटा खड़े हो जाओ, यहाँ तो आना। ये तुम सब में से मेरा सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क होता है? गुरुजी इंपोर्ट यानी सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया बेटा। अच्छा ये सब बात छोड़ो, तुम हमें एक ऐसी स्टोरी सुनाओ जिससे हमें कोई शिक्षा मिलती हो। जब मैंने उसे फोन किया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया, जब उसने मुझे फोन किया तो मैंने भी उसका फोन नहीं उठाया। इसे यह शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा एक आखिरी सवाल, अगर यमराज तुम्हें मरने के बाद ये पूछे कि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो या नर्क में, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? गुरुजी मैं यमराज जी से कह दूंगा कि पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर ले आए, फिर मैं उनको कहूंगा कि चाहे मुझे स्वर्ग में भेजो चाहे मुझे नर्क में भेजो। खड़े हो जाओ, तुम सभी ने मेरा नाम मिट्टी में मिला के रख दिया। खड़े हो जाओ, आज मैं तुम्हें छड़ी का दूध याद दिला के रखूंगा। तुम बच्चों के सवालों ने तो मेरा दिमाग ही झिमझोड़ के रख दिया। आ सीने में भी दर्द हो रहा है, लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। आगे से कम फीस में गरीबों की सेवा करता है। हाय पहचाना मुझे? आई एम विकी एंड आई एम लकी। ओ क्या बेवकूफी की बात करता है बेवकूफ कहीं का। देख आज मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका है। मैंने सुना है कि तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। जी आपने सही सुना है। इससे क्या तेरे सारे जरूरतें पूरी हो जाएंगी?
इसलिए मैं कहता हूँ ब्रदर, पैसा कमा पैसा, मनी मनी। सुनो, तुम मैं सारा खनुफ लकी कौन है? ओह, आई एम रेयर। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मेरा फोर्ट क्या है? भ्रष्टाचार के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर अरेस्ट सिंह। अरे भाई, मैंने आपके और आपके सामाजिक कार्यों के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलने वाला है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। करती है अपनी मनमानी बगिया की यह राज नन्नी नन्नी प्यारी प्यारी फूलों का रस पीकर उड़ जाती फिर फौरन वापस जाती फूलों के कानों में चुपके फूली कोई बात सुनाती कोई भी एम नहीं रहा है। मैं कहूंगा कि बच्चे जो हैं वो अपना एम बनाएं। बच्चों दो तरह के रास्ते होते हैं, एक में फूल बिछे हुए हैं और आगे जाके कांटे हैं, और दूसरा रास्ता है जिसमें पहले कांटे हैं और उसमें फूल आगे फूल हैं। तो कौन सा रास्ता आप चुनना चाहेंगे? कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे जिसमें पहले फूल हैं आगे कांटे हैं, और दूसरा है पहले कांटे हैं दूसरे में फूल हैं? तो कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे आप? बच्चों पहले जो कांटे वाला रास्ता है, विद्यार्थी जीवन में हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से ही हम लोग जो आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, वो लक्ष्य जो स्वप्न में देखा जाए वो नहीं होता है, वो लक्ष्य जो हमें सोने नहीं देता वो स्वप्न देखना चाहिए, जो हमें सोने नहीं दिए जाएं वो स्वप्न हमें देखने चाहिए ताकि हम आगे जा करके आगे बढ़। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आप सबको एक बार फिर इस वार्षिक समारोह की बधाई देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो विद्यालय जो संस्कारों पर आधारित है वो आगे भी चले, अच्छी तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत। रेडी रहे पीछे, जोरदार तालियों से मुस्कान का। सर, I have one friend यश, उस तालियों की आवाज भी आ रही है। बाकी के बच्चों को प्राइज दिए जा रहे हैं। अब फर्स्ट पोजीशन हासिल की है निवेदिता शर्मा ने। इसी के साथ थर्ड प्राइज के लिए अभिषेक जिगर एंड इंटिक रेडी रहे। अभिषेक जिगर एंड इंटिक फर्स्ट क्लास के लिए प्राइज आ रहे हैं। अभी सेकंड क्लास के लिए फर्स्ट पोजीशन पर ऋत्विक एंड बच्चे ये फर्स्ट आए हुए हैं सेकंड क्लास से। थर्ड प्राइज एंजल का कोई बच्चों के बाद ले जाए। एंड दाम भी रेडी। मैं धन्यवाद करती हूँ दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पर आई हुई थी। वो प्लीज स्टे है जोरदार तालियों के साथ बच्चों का। इसी के साथ हमारे एजुकेशनल फ्रेंड्स रंगोली कॉम्पिटिशन
जोरदार तालियों के साथ। इधर इधर देखो बेटा। बैठो तो प्लीज साइलेंट होके बैठे। सीनियर में राइटिंग कंपटीशन में सिक्स क्लास की सेजल फर्स्ट आई हुई है। गणेश ड्राइंग कंपटीशन का कंपटीशन थे उससे बहुत सारी एक्टिविटी रखी गई थी स्पोर्ट्स डीप पर जैसे निगर पैड रस्सा कच्ची थ्री लेग रेस बैडमिंटन उसको सबसे पहले और जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर इसमें ये ट्रॉफी स्कूल में ही ये कंबाइन होती है तो खिलाड़ियों के साथ धन्यवाद। आए हुए अतिथियों से आग्रह है कि वो प्रसाद ग्रहण करके जाएं।